that's just my point of view. हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में आपको अपना एडिटिंग वर्कफ्लो दिखाऊंगा कि मैं कैसे फोटोज एडिट करता हूं। तो आज की इस वीडियो में जो दो ऐप हमने यूज किए हैं फोटो एडिट करने के लिए, वो है Lightroom और Snapseed। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको बस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो आज हम इस इमेज को एडिट करने वाले हैं। ये इमेज देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड है, आपको काफ़ी ज़्यादा शेडोज और ब्लैक पार्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि इस इमेज को मैंने रॉ में क्लिक किया है और इसकी हाइलाइट्स और शेडोज को मैं अच्छा खासा पुल कर पाऊंगा। CR2 मतलब रॉ, और यहाँ पे जो कैमरा यूज़ किया है वो मैंने कैनन 1200D, और नीचे आप सेटिंग्स देख सकते हैं। तो अब चलो एडिट करते हैं इस इमेज को। तो सबसे पहले इस इमेज में मैं एक बेसिक टोन ऐड करूंगा, जिसके लिए मैं प्रोफाइल सेक्शन पर जा करके आर्टिस्टिक 3 वाला जो फिल्टर होगा उसे यूज़ करूंगा। उसे मैं एकदम मैक्सिमाइज पर नहीं रखूंगा, उसको करीबन मैं 35 तक लेकर आऊँगा, ताकि वो थोड़ा सा हल्का सा जो टोन हो फोटो पे सेट हो जाए। तो अब बढ़ते हैं हम लाइट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर मैं इमेज की एक्सपोजर को सेट करूँगा, यानी मैं इमेज पे थोड़ी ब्राइटनेस ऐड करूँगा। तो सबसे पहले एक्सपोजर को मैं प्लस साइड पर लेके जाऊँगा, करीबन प्लस 1.31 तक, ताकि इमेज पे जो आपको ब्राइटनेस है वो थोड़ी बढ़ी हुई दिखे। अब इसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को प्लस 21 तक रखूँगा। अगर ये मूडी एडिटिंग करता मैं तो इस इमेज पे मैं कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल भी पुल नहीं करता। अब हाइलाइट्स वाला जो हिस्सा है, यानी जो वाइट हिस्सा है जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है, उसको मैं -100 तक रखूँगा, ताकि वहाँ की डिटेल जो हो, क्लाउड जो है, बाद में हम ऐड कर सकें। अब वो कैसे ऐड करना है उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो शेडोज़ को हम डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो हैंड्स वाला हिस्सा है और जो फेस पे आपको शेडोज़ दिख रही है वो मुझे नहीं दिखाना है, तो इसलिए मैं शेडोज़ को पुल करके प्लस 43 पर रख दूंगा। अब वाइट्स जो है उसे -28 पर रखूँगा, और ब्लैक को -36 पर रख दूँगा। अब इसके बाद हम चलेंगे कर्व्स पर। कर्व पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस टाइप का यहाँ पे कर्व बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले शेडोज़ को थोड़ा सा डाउन करूँगा, ताकि इमेज पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट और ऐड हो जाए। अब उसके बाद जो ब्लैक्स वाला हिस्सा है उसको हल्का सा पुल करके कुछ इस टाइप का कर्व बना दूंगा। तो अब जब मैं आपको इस इमेज को बिफोर एंड आफ्टर में दिखाऊंगा, तब आप देखना रॉ में क्लिक करने के कितने फायदे हैं। आप अपनी इमेज पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो अब चलिए मैं आपको इस इमेज को बिफोर एंड आफ्टर में दिखाता हूँ। आप देखना कि सिर्फ और सिर्फ लाइट टूल का यूज़ करके हमने अपनी इमेज पर कितनी ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर दी हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं कलर सेक्शन की तरफ, जहाँ पर मैं टेम्परेचर को कोल्डर साइड पर लेके जाऊंगा, क्योंकि इमेज पे काफ़ी ज़्यादा वार्म टोन्स थी, तो मैं उसे थोड़ी सी कम करने के लिए इसे 5000 करीबन केल्विन पे रखूँगा। तो टेम्परेचर सेट करने के बाद हम इंक्रीज करेंगे टेंट को। टेंट को मैं यहाँ पे प्लस 14 पर रखूँगा। उसके बाद जो वाइब्रेंस और सैचुरेशन है उसको मैं ज़्यादा पुलअप नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इमेज में काफ़ी कलर्स हैं। तो वाइब्रेंस को यहाँ पे प्लस 6 पर रखूँगा और सैचुरेशन को प्लस 7 पर। अब इसके बाद हम चलते हैं कलर ग्रेडिंग टूल की तरफ। कलर ग्रेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 यहाँ पे कलर व्हील्स देखने को मिलती हैं। हम शेडोज़ को कुछ नहीं छुएंगे और हाइलाइट्स को भी नहीं छुएंगे। हम चलते हैं मिड टोन्स पे। मिड टोन्स यानी इस इमेज पे जो फेस और हैंड्स वाला एरिया है उस पर हम टोन सेट करेंगे। तो टोन्स को मैं यहाँ पे ऑरेंज के और येलो के बीच में रख दूंगा, और सैचुरेशन को प्लस 25 पे। इसके बाद डन पे क्लिक करूंगा। और अब चलते हैं पर्टिकुलर कलर सेक्शन पे। पर्टिकुलर कलर सेक्शन यानी मिक्स टूल। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मेनली 3 कलर्स देखने को मिलेंगे, रेड, ऑरेंज और येलो। इसी मेन 3 कलर्स पे हमें थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेड है, रेड उतना ज़्यादा फोटो पे है नहीं, तो -22 पे उसका ह्यू रख देंगे। उसके बाद सैचुरेशन को भी +22 पर रख देंगे। फिर उसके नीचे जो ल्यूमिनस टूल है, यानी जो आप ब्राइटनेस देना चाहते हैं, उसको मैं यहाँ पे +10 पर रख दूंगा। अब बढ़ते हैं ऑरेंज कलर की तरफ। ऑरेंज हमारे जो फेस पे है, तो उसमें हम ह्यू उतना ज़्यादा करेंगे नहीं, -4 पे रखेंगे। सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा, यहाँ पे +22 पर रख दूंगा सैचुरेशन को। अब इसके बाद ल्यूमिनेंस, हमें अपनी चेहरे की जो ब्राइटनेस है उसे इंक्रीज करना है, जो कलर है उस पर। तो ऑरेंज का मैं जो ल्यूमिनेंस है उसे +34 पर रख दूंगा। अब येल्लो यहाँ पे मेन आपको ज़्यादा कलर देखने को मिल रहा होगा, पीछे जो ग्रास है उस पर और जो टी शर्ट है उस पर। तो येल्लो का ह्यू मैं -53 पर रख दूंगा। और इसके बाद सैचुरेशन को उसको थोड़ा सा हम कम करेंगे, क्योंकि येल्लो आपको बहुत ज़्यादा पॉप आउट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इस इमेज में सैचुरेशन येल्लो का -14 पर रख दूंगा,
उसके बाद ल्यूमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, प्लस 19 टू 20 के बीच में रख दूंगा येलो के ल्यूमिनेंस को। अब यहाँ पे ग्रीन बहुत ही कम मात्रा में आपको दिख रहा होगा, तो ग्रीन को मैं यहाँ पे डीसेचुरेट कर दूंगा, पूरा -100 पर ले जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको ब्लू और एक्वा थोड़े बहुत कलर्स होंगे जो जीन्स पे दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा। एक्वा को उसका जो सैचुरेशन है उसे +16 पर रख दूंगा और जो ल्यूमिनेंस है उसको +26 पर रख दूंगा। इस ये सिर्फ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स जो हैं यानी एक्वा की, इसको मैं थोड़ा जीन्स पे जो थोड़ा पॉपअप ऐड करना चाहता हूँ उसके लिए हैं। अब चलते हैं ब्लू कलर की तरफ। यहाँ पे ब्लू का ह्यू मैं रखूँगा -33 जीन्स पे थोड़ा सा पॉपअप ऐड करने के लिए। उसके बाद सैचुरेशन को +34 और जो ल्यूमिनेंस है उसे छोड़ देते हैं। तो डन पे क्लिक करने के बाद मैं अब आपको इमेज को बिफोर एंड आफ्टर में दिखाना चाहूँगा कि हमारी इमेज की प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो अब हम चलते हैं इफेक्ट सेक्शन की तरफ जहाँ पर मैं इमेज की क्लैरिटी इंक्रीज करूँगा। तो क्लैरिटी को +24 पर रखूँगा, इससे हमारी इमेज पे थोड़ी बहुत ग्रेन तो ऐड होगी लेकिन उसे हम रिड्यूस बाद में कर देंगे। तो अब डीहेज को मैं -15 पर रखूँगा, इससे हमारी इमेज पे एक फेडेड लुक देखने को मिलेगा। अब विंगेट को मैं -15 पर रखूँगा, विंगेट से होगा कि आपकी इमेज की चारों तरफ ब्लैक बॉर्डर या ब्लैक पोर्शन थोड़े बहुत बन जाएंगे, इससे आपकी इमेज जो है सेंटर फोकस लगने लगेगी। अब चलिए चलते हैं इमेज पे जो हमने ग्रेन्स ऐड की है या नॉइस कह सकते हैं उसे रिमूव करने के लिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो टूल का यूज़ करना है, नॉइस रिडक्शन टूल। नॉइस रिडक्शन को मैं इंक्रीज करके +8 से लेकर 10 पर रख दूंगा और जो कलर नॉइस रिडक्शन टूल है उसे मैं +100 पर रख दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉइस थी वो रिड्यूस हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं सबसे मेन एडिटिंग टूल की तरफ जो है सेलेक्टिव टूल। अगर आपके पास सेलेक्टिव टूल नहीं है तो आप सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो और मैसेज करिए, मैं आपको सेलेक्टिव टूल वाला लाइट रूम प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेलेक्टिव टूल मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्काई में यूज़ करूंगा, उसके बाद डीहेज को इंक्रीज कर दूंगा। इससे होगा क्या, आप पीछे इमेज में देख सकते हैं जो स्काई है और सन है वो आपको विजिबल होने लगेंगे। तो ये होते हैं रॉ पे क्लिक करने के फायदे। अब जो डीहेज हमारे फेस और हैंड्स और शर्ट पे अप्लाई हो चुका है उसे इरेजर टूल का यूज़ करके हम डीहेज वाला जो इफेक्ट है उसे रिमूव कर देंगे। तो इस इरेजिंग वाले काम को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली करना है। तो अब हमारी इमेज अब 80% कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप इस इमेज को बिफोर एंड आफ्टर पे देख सकते हैं। अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे गैलरी में, फिर हम इसी इमेज को इंपोर्ट करेंगे दूसरे ऐप में यानी स्नैपसीड में। वहाँ पे मैं अपनी इमेज को रीटच करता हूँ मोस्टली, मतलब 99% जितनी मैं पोर्ट्रेट्स क्लिक करता हूँ उसे मैं स्नैपसीड पर ही ले जा करके रीटच करता हूँ। तो अब हम इस इमेज को ओपन करेंगे स्नैपसीड में। तो इमेज को स्नैपसीड पे इंपोर्ट करने के बाद टूल सेक्शन पर मैं जाऊंगा और ट्यून इमेज के जो टूल है उस पर मैं एम्बियंस टूल का यूज़ करूंगा, उसे मैं माइनस पे या नेगेटिव पर ले जा करके रख दूंगा। मुझे आप लोग का नहीं पता पर मैं एम्बियंस टूल को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर मुझे बताना कि आप एम्बियंस टूल यूज़ करते हो या नहीं। अब इसके बाद इमेज की थोड़ी बहुत हम क्लैरिटी या स्ट्रक्चर कह लीजिए उसे इंक्रीज करेंगे। अब जो थर्ड टूल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट टूल का फायदा एक ये है कि आपकी इमेज पे एक स्पॉटलाइट ऐड करता है, एक हल्की सी ब्राइटनेस ऐड करता है आपके फेस पे। उसके बाद जो स्किन का टेक्सचर होता है उसे ये स्मूथ करके भी देता है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स पे अच्छा लगता है। अब इसके बाद मैं कुछ सेलेक्टिव एडजस्टमेंट्स करूंगा, जैसे कुछ सेलेक्टिव एरिया के, जैसे हैंड्स हो गए, यहाँ पे आपको डार्क पार्ट दिख रहे होंगे और चेहरे पे कुछ डार्क पार्ट्स दिख रहे होंगे, उसकी मैं थोड़ी बहुत ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वगैरह इंक्रीज करूंगा सेलेक्टिवली। अब सेलेक्टिव एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब इमेज पे मैं थोड़ी बहुत विंगेट ऐड करूंगा। इसे मैंने ऑलरेडी लाइट रूम पर ऐड कर लिया था लेकिन एक बार मैं स्नैपसीड पर भी ऐड करूंगा। इसमें विंगेट टूल थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, आप एरिया सेलेक्ट करते हैं कर सकते हैं कि आपको कितने एरिया पे वो विंगेट या ब्लैक इफेक्ट चाहिए।
तो अब हमारी इमेज जो है वो 100% एडिट हो चुकी है, यानी इमेज को पूरी तरह से मैंने एडिट कर लिया है और अब जो लास्ट काम बचा है वो है इस इमेज को एक्सपोर्ट करने का। तो इन दी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।